चिकित्सा विभाग में राजस्थान सरकार में कार्यरत है। 1967 में जब राजस्थान सरकार ने प्रथम बार नेत्र सहायक का वेतनमान तय किया था, तब विभाग की गलती से इसे कम निर्धारित कर दिया गया। जबकि यह बात तब की है जब राजस्थान राज्य में एक भी नेत्र सहायक राज्यसभा में कार्यरत नहीं था। नेत्र सहायकों की नियुक्ति 88 से प्रारंभ हुई है। उसके पश्चात चिकित्सा विभाग ने सरकार को कई बार यह लिखते हुए पत्र लिखा है कि विभाग की भूल बस गलत निर्धारित हो गया था, इसे सही किया जाए, लेकिन विभाग ने आज तक सरकार ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 1998 में यह निर्णय ले लिया गया था विभागीय पत्रावली पर कि इनकी वेतनमान गलत निर्धारित हुआ, इसको सही कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश तभी विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और आदेश जारी नहीं हो पाए। उसके पश्चात सरकार बदल गई। सरकार तब से कमेटियों पे कमेटी बनाती जा रही है, लेकिन उस विभाग की भूल का आज तक सुधार नहीं किया गया है। जबकि मेडिकल डिपार्टमेंट में ही अन्य जो कैडर हमसे कम योग्यता रखते हैं, कम क्वालिफिकेशन रखते हैं, कम टेक्निकल काम रखते हैं, उनका वेतनमान हमसे ज़्यादा है। यह हमारे साथ अन्याय हो रहा है। सरकार को इसमें न्याय करने की आवश्यकता है और हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार न्याय करें। सरकार से इस बारे में कई बार बातचीत हुई है। पिछली सरकार ने सामंत कमेटी बनाई, उनसे भी वार्ता हुई, खेमराज कमेटी से भी वार्ता हुई है, मंत्रिमंडलीय उपसमिति से भी वार्ता हुई है। 2016 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ DOP प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने फाइल पर यह डिसीजन ले लिया था कि इसको सुधार कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने उसको आज तक भी कुछ नहीं किया है। सारी पत्रावलियाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास पेंडिंग है, डिसीजन कोई नहीं हुआ है। अगर हम पिछले 15 दिन से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, काली पट्टी बांध के कार्य कर रहे हैं, सभी जिला कलेक्टर को, CM को, मंत्रियों को ज्ञापन दे रहे हैं और आज हमारा यहाँ एक विशाल महाधरना चल रहा है, यदि सरकार द्वारा हमारी मांगें स्वीकार नहीं की जाती है तो हमें आमरण अनशन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारी मांगें पूरी करें।